7,000 से शहबाज शरीफ हार चुका है और 20,000 वोटों से नवाज शरीफ हार चुका है। और कैसे कैसे चौड़े होके बैठे होते हैं असेंबली में। ओए तुम्हारे बाप का मुल्क है क्या? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जाबाज कारकुनान आज तमाम फस्ताइयत, तमाम कंटेनर, तमाम गिरफ्तारियां, तमाम फॉर्म 47 के हुक्मरानों को आवाम ने पाश पाश कर दिया है। मेरे दोस्तों साथियों, पिछले 2 साल से हमारा मुल्क यरगमाल है। ना यहां जमहूरियत है, ना यहां इंसानी हकूक है, ना यहां इंसानियत नाम की कोई चीज बची है, ना आईन है, ना कानून है। मैं बताना चाहता हूं वक्त के हुक्मरानों को, पर्दे में रहने वाली कुव्वतों को, जो ना किसी को जवाब दे हैं, जो ना मुंतखब हैं, जो हुकूमतें बनाने और गिराने का इख्तियार अपने पास समझती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के बाद इस मुल्क की हाकमियत इस खल्के खुदा के पास है। हम मालिक हैं इस मुल्क के, आप मालिक हैं इस मुल्क के, कहना के रिहायशी मालिक हैं इस मुल्क के और लाहौरी मालिक हैं इस मुल्क के। मेरे दोस्तों साथियों, आपने साबित किया, 8 फरवरी को भी आपने साबित किया, आपने साबित किया कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप झुकने वाले नहीं हैं। आपने 8 फरवरी के बाद भी साबित किया, हमारे दर्जनों सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जाली पर्चे बनाए गए, घरों के अंदर घुस के बेशर्मी से तोड़ फोड़ की गई, लूट मार की गई। मेरे दोस्तों साथियों, हम एक एक चीज का हिसाब लेना जानते हैं। शुक्र करो हुक्मरानों, शुक्र करो कि इमरान खान कानून, आईन और अमन में यकीन रखता है, वरना जितनी आवाम इमरान खान के पीछे है उसका तो एक इशारा तुम्हारे जाली तख्तों को उड़ा के ले जाए। मेरे दोस्तों साथियों, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क का कानून, अगर इस मुल्क को रहने के काबिल हमने छोड़ना है तो अवाम को हुक्मरान बनाना पड़ेगा इस मुल्क का। आप अवाम को हुक्मरान बनाने के लिए तैयार हैं? हमने इमरान खान को आजादी दिलवानी है, आप तैयार हैं? और मैं आज जरा ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा शहर है ना लाहौर, यहां पे 14 कौमी असेंबली की और 30 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, वो सब की सब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती हुई है। और ये जो जाली वजीरे आला बैठी है, 892 वोटों से ये हार चुकी है, 892 वोटों से। साढ़े 7,000 से शहबाज शरीफ हार चुका है और 20,000 वोटों से नवाज शरीफ हार चुका है। और कैसे कैसे चौड़े होके बैठे होते हैं असेंबली में। ओए तुम्हारे बाप का मुल्क है क्या? ये सवाम का मुल्क है, सवाम का। मेरे दोस्तों साथियों, हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना है, उसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें बार बार निकलना भी पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मंजिल बहुत करीब है, मंजिल करीब है। सुना है नून लीग की हुकूमत जा रही है और सुना है एक और कठपुतली तैयार की है उन्होंने, वो जो कठपुतली सिंध से आवाजें नहीं लगाती उसको तैयार किया है। पानी आता है, पानी जाता है। मेरे दोस्तों साथियों, अब ना पानी आएगा ना पानी जाएगा, आवाम आएगी, इमरान खान आएगा। मैं इंतजामिया को भी बताना चाहता हूं, ये आप क्राउड देख रहे हैं, अभी 90% काफले हमारे रास्ते में हैं, 90% काफले, अभी तो लाहौर भी नहीं पूरा पहुंचा, जलसागाह भर गई है। ये सारे रास्ते खोल दो,
और कोई शरारत मत करना। ये लोग गुस्से में हैं, ये लोग, इनका हक इनसे छीना गया, इनकी मईशत छीनी गई, इनकी इनकी जमहूरियत छीनी गई, इनके ख्वाब छीने हैं तुमने। ये लोग गुस्से में हैं, इनका महबूब कायद ना हक कह दे एक साल से जायद। इसलिए अभी भी वक्त है, अवाम को रास्ता दो, अवाम को रास्ता दो, इन तारीख कुवतों के हथ हाथों में मत खेलो। बार बार हमने तुम्हें पैगाम दिया, बांग्लादेश से सबक सीखो। कहते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान।